अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कभी ना कभी लॉन्ग आंसर को याद करते टाइम अटक गए होगे, और अगर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी। तो आज मैं तुम्हें ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लॉन्ग आंसर को चुटकियों में याद कर पाओगे। ट्रिक नंबर वन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। बहुत से स्टूडेंट उस क्वेश्चन के आंसर को बिना समझे ही रटना शुरू कर देते हैं, जिससे आंसर बल्कि होने के कारण याद नहीं हो पाता। इसलिए पहले ही आंसर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। नंबर टू, राइट डाउन द सॉल्यूशन। उस क्वेश्चन के आंसर को अपने ओन हैंड से लिख के देखो, क्योंकि लिखने से तुम्हारा हैंड और ब्रेन कोऑर्डिनेटली काम करता है और इन्फॉर्मेशन जल्दी प्रोसेस होती है। नंबर थ्री, ब्रेक इट डाउन। अगर कोई आंसर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसे तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो और एक एक करके रिवाइज करते जाओ। नंबर फोर और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रिपीटेशन ये एक ऐसी की है जिससे आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को इजिली याद कर पाओगे। आंसर को बार बार रिवाइज करने से उसकी कंसेप्ट आपको समझ आ जाती है।